आज से हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में विजय दिलाने का संकल्प करें, यही आप सभी मित्रों से, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, सभी पदाधिकारी बंधु जो जिले भर से आए हैं, सभी से आशा और उम्मीद है कि हम संख्या बल में जरूर कमजोर रहे, 4-5 सीटें हमारी कम रही, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा रहा, 1% के करीब हमारा वोट कांग्रेस पार्टी से ज्यादा रहा, और इस कारण से जन समर्थन आज भी हमारे पास में है। और इनकी झूठी घोषणाएं, जो मिथ्या घोषणाएं हैं, जैसे इनकी फूट खुलेगी तो कम से कम 10% की वृद्धि हमारे जन समर्थन में अगले लोकसभा चुनाव तक हो जाए। इसलिए मैं तो सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरी उमंग और उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताने का काम करेंगे। पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार अपने ही बोझ से भर भरा के 1 सप्ताह के अंदर गिर जाएगी प्रदेश में। आप सब कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है, मान है, जो जगह जगह मैंने देखा नहीं, अभी कांग्रेस ही 15 साल की जो उनकी तड़प थी नहीं, मिटाने के लिए जगह जगह घूम रहे, कोई कहता तो हमारी चलेगी, थाने में चलेगी, बिजली में चलेगी, कचहरी में चलेगी, तहसीलदार के यहाँ चलेगी, SDM, कलेक्टर, SP के यहाँ चलेगी। हम ये कहना चाहते हैं चलेगी किसी की नहीं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही आप लोग हैं, हम प्रदेश की जनता को लुटने नहीं देंगे और गरीब जनता के पक्ष में हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस प्रकार के कांग्रेसी दलाल जो है, हम उनकी एक बात भी नहीं चलने देंगे, और अपने किसी कार्यकर्ता पर यदि कोई उंगली भी उठाता है तो हम उसकी उंगली के लिए क्या करना है ये हम आप सब लोगों को, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों के खातिर लोकसभा चुनाव में विजय बहुत आवश्यक है, ताकि आपका प्रभाव, आपका सम्मान, आपका मान और पार्टी का भी सम्मान बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई, विधानसभा के परिणाम और आगामी लोकसभा के परिणाम, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जुदा नहीं है। आप लोग खूब मेहनत करें तो निश्चित रूप से आप सभी का सम्मान रहेगा, पार्टी का सम्मान रहेगा, जो नेता हमारे मंच पर बैठे हुए हैं इन सब का सम्मान रहेगा। हम एक दूसरे के सम्मान के लिए ही तो बने हैं, हम इसके लिए तो सरकारें चलाते हैं, बनाते हैं, और जनता के कल्याण के लिए बनाते हैं, और नागरिकों का सम्मान भी बना रहे हैं, इसके लिए बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी।